तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर से आ चुके हैं और जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। अब आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 16 नंबर क्वेश्चन ईजी है, हार्ड कोई भी नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इजी है। तो देखो, पढ़ते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, मेरे पास ₹300 मेरे जेब में है, ठीक है। अब वो जो ₹300 होंगे, वो उसमें हो सकता है कि 10 के नोट हो सकता है 20 के नोट हों, 50 के नोट हों, 100 के नोट हों, 200 के नोट हों, हो सकता है इन सबसे मिलकर वो ₹300 बना होगा। येस यू आर राइट। तो लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो ₹300 है ये इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, ठीक, पिगी बैंक से। तो डेनोमिनेशन मतलब होता है कि सिक्के की फेस वैल्यू क्या है, जो सिक्का है या वो पैसा है उसमें कितने फेस वैल्यूज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ सिक्के हैं, उन सिक्कों की जो फेस वैल्यू है, यानी कि वो सिक्के कितने कितने के हैं, एक के सिक्के हैं, दो के सिक्के हैं और पाँच के सिक्के हैं। एक का सिक्का है, दो का सिक्का है और पाँच का सिक्का है, सब रुपया मिलाकर कितना रुपया बना है, 300 रुपीज बन गया है। अब उसके बाद देखो, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। अब यहाँ पे बोले हैं कि देखो, 2 रुपए के कुछ सिक्के होंगे। अब एक एक सिक्का तो होगा नहीं कि 2 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, 5 रुपए का एक सिक्का, तो 8 रुपए तो हुए। तो ऐसे दो रुपए के सिक्के होंगे ढेर सारे, 1 रुपए के ढेर सारे सिक्के होंगे और 5 रुपए के ढेर सारे सिक्के होंगे, ठीक। तो इसने बोला है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 गुना है किसके, 5 रुपए के सिक्के के। 5 रुपए का सिक्का जितना भी होगा उसका 3 गुना कौन है, उसका 3 गुना है 2 रुपए का सिक्का। मान लेते हैं कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर, तो 5 रुपए का मान लेते हैं कि 4 सिक्का है, 5 रुपए का 4 सिक्का है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 4 सिक्का है तो 4 3 जा कितना हो गया, 12, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए, 12। ध्यान से सुनना, 5 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो उसने बोला है कि जितना भी 5 रुपए का सिक्का होगा उसका 3 गुना 2 रुपए का सिक्का होगा। तो 5 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए के कितने सिक्के हुए, 4 3 जा 12। अगर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 30 सिक्के हो जाएंगे, बस 3 गुना बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से अगर 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। चलिए इसको लिखते हैं। और उसके बाद लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 60, मतलब टोटल सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 5 रुपए के, टोटल कॉइन कितने हैं, टोटल है 160। तो फाइंड हाउ मच कॉइन ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विथ मी। तो कितने मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये पता करना है। तो हमने बताया था कि कंपैरिजन होता है, लेट करते हैं एक्स, तो किसको लेट करते हैं, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको एक्स लेट किया जाता है। तो यहाँ 2 रुपए के सिक्के का जो कंपैरिजन है वो 5 रुपीज़ के सिक्के के साथ कंपेयर करा जा रहा है, तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मान लेते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, 5 रुपए के x सिक्के हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स, मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, उसने बोला है जस्ट 3 टाइम्स, यानी कि 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना, देखो ये लाइन में ही बोला, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे उसका 3 गुना होगा 2 रुपए का सिक्का, लिख दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब अगर हमें बात करनी है, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एंड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये टोटल अमाउंट बना है, यहाँ पे एक हम बैग बना दे रहे हैं, ये रहा, ये एक बैग हो गया, पाउच हो गया, ठीक। और इसमें टोटल कितना रुपया भरा हुआ है, टोटल 300 रुपये भरा हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं और इसमें जो है वो 2 रुपए के भी सिक्के हैं और इसमें कितने हैं, 5 रुपए के भी सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। तो 2 रुपए का सिक्का कितना है, 2 रुपए का है 3x सिक्का, और 5 रुपए का कितना सिक्का है, x, तो 1 रुपए का कितना सिक्का है,
ये भी तो पता करना चाहिए कि एक रुपए का कितना सिक्का है। हाँ सर पता तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पता नहीं है ना कि एक रुपए का 10 सिक्का है, 20 सिक्का है, कितना सिक्का हमें नहीं पता है। तो इसके लिए देखो दिमाग लगाओ कि यहाँ 300 के अलावा एक चीज और दे रखी है, वो है 160। तो ये 160 क्या है? 160 है टोटल सिक्के, टोटल क्वाइंस। इस बैग में टोटल कितने क्वाइंस दे रखे हैं? टोटल 160 रुपीज नहीं है, रुपीज 300 है, 160 क्वाइंस है। एक रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का सबको प्लस किया गया तो पता चला कि इसमें क्वाइंस कितने हैं? 160 क्वाइंस है। तो अब ये बताओ कि 2 रुपए के, इमेजिन करो कि अगर हमें 1 रुपए का सिक्के के पता करना है कि 1 रुपए का कितना क्वाइन है तो कैसे पता करोगे? क्योंकि हमें 2 रुपए का पता चल गया, 2 रुपए के 3x सिक्के हैं और 5 रुपए के x सिक्के हैं, एक का पता करना है। तो चलो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। इमेजिन ऐसे करो कि मान लो टोटल 160 क्वाइंस है, चलो ठीक, टोटल 160 क्वाइंस है। अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के 50 क्वाइंस हैं, ठीक है। और 5 रुपए के मान लेते हैं कि 5 रुपए के मान लेते हैं कि 40 क्वाइंस हैं, ठीक सर, वेरी गुड। 2 रुपए के कितने क्वाइंस हैं? 50 क्वाइंस हैं। और 5 रुपए के कितने क्वाइंस हैं? 40 क्वाइंस हैं। ऐसा हम लेट करते हैं तो 1 रुपए के कितने क्वाइंस होंगे? टोटल क्वाइंस तो 160 है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो 160 मतलब 160 क्वाइंस हैं। अब उसमें से 50 क्वाइंस तो 2 रुपए के हो गए और 40 क्वाइंस तो 5 रुपीज़ के हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ो कितने हो गए? 40 और 50, 50 और 40 कितने हो गए? 90 क्वाइंस जो हैं वो 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हो गए। बचे कितने? तो टोटल में से ही तो माइनस करोगे, मतलब जितना आया 2 रुपए के सिक्कों को 5 रुपए के सिक्कों को दोनों को जोड़कर जितना आया है उसको टोटल से माइनस करोगे तब तुम्हें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पता चल जाएगा। एग्जांपल से यही समझाने की कोशिश है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 40। दोनों को जोड़ा 50 40 90, 90 सिक्के हो गए। अब अगर टोटल में से उन 90 सिक्कों को माइनस कर दिया जाए, 90 क्वाइंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो 1 रुपए के क्वाइंस होंगे, समझे। इसका मतलब अगर तुम्हें 1 रुपीज का क्वाइंस पता करना है तो पहले जो 2 रुपीज के क्वाइंस हैं और 5 रुपीज के क्वाइंस हैं उन दोनों को प्लस करो और टोटल से माइनस कर दो तो तुम्हें 1 रुपीज के क्वाइंस पता चल जाएंगे। सिंपल यही लिखा है, 2 रुपए के 50 सिक्के, 5 रुपीज के 40 सिक्के, तो 50 और 40 कितने हो गए? 90 क्वाइंस हो गए। टोटल कितने क्वाइंस थे? 160। तो 160 में से 90 निकालो कितना? 50 क्वाइंस किसके, सॉरी कितने हो गए? 70, राइट। हाँ तो 70 क्वाइंस किसके हो गए? 70 हो गए 1 रुपीज़ के क्वाइंस। तो कैसे पता चला? टोटल जितना था उसमें से 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के क्वाइंस को प्लस करके माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे करेंगे तो बताओ टोटल सिक्के कितने हैं? 160, ठीक है। टोटल सिक्के हैं 160 और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 2 रुपए के 5 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x। दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो तो 160 माइनस 4x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 160 माइनस 4x कहाँ से आया है। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3x हैं। और 5 रुपए के कितने हैं? ये दोनों को प्लस करके जब टोटल से माइनस करोगे तो 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू पता चलेगी। 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 160 माइनस 4x। ये सॉल्व नहीं हो सकता इसको, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब ध्यान देना, इतना काम तो हो गया। अब ये बताओ कि टोटल रुपया कितना है? वो जो 300 लिखा हुआ है उन 300 का यूज भी तो कहीं ना कहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x। और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x हैं। और उसके बाद 1 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं? 160 माइनस 4x। 5 रुपए के x सिक्के, 2 रुपीज़ के 3x सिक्के और 1 रुपीज़ के 160 माइनस 4x सिक्के हैं। और अगर हम इन तीनों को प्लस करके, ध्यान दो, अगर इन तीनों को हम प्लस करके 300 के बराबर कर दें, रुपीज़ 300 के, तो क्या ये मेरा सही है? क्या ये सही है? क्या तीनों को प्लस करके 300 के बराबर करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 300 रुपया है, टोटल रुपया है, रुपया मतलब मनी है टोटल। और जब तुम इन तीनों को प्लस करोगे तो ये तो आएंगे सिक्के, ये तो सिक्के आएंगे, ये टोटल कितने आएंगे? सिक्के आएंगे, मतलब ये भी सिक्का, ये भी सिक्का, ये भी सिक्का, तीनों को प्लस करोगे तो उस बैग में कितने सिक्के हैं इसके बराबर होगा, रुपए के बराबर थोड़ी ना होगा। तो रुपए के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो अब देखो फिर से यहां से समझा रहे हैं, ये देखो, मान लेते हैं कि इसमें देखो 1 रुपए का सिक्का है और उसके बाद 2 रुपए का सिक्का है और उसके बाद 5 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए के मान लेते हैं कि 10 सिक्के हैं, मान लेते हैं, रुपया नहीं बोल रहे, 1 रुपए के 10 सिक्के हैं।
₹5 के 8 सिक्के हैं, सॉरी यहाँ रुपीज नहीं लिखना है, ₹5 के 8 सिक्के हैं और उसके बाद ₹2 के 7 सिक्के हैं। ठीक, मान लिया ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹1 के हैं 10 सिक्के, और ₹2 के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं, ₹8 के कितने सिक्के हैं, ₹5। अब ये बताओ टोटल मनी कितना है इसमें, तो तुम लोग कहोगे कि ₹1 के अगर 10 सिक्के हैं तो 10×10 ₹10 यहाँ बना, और अगर ₹5 के 8 सिक्के हैं तो 8×5=40 ₹40 यहाँ बना, और अगर ₹2 के 7 सिक्के हैं तो 7×2=14 ₹14 यहाँ बना। अब सर इन तीनों को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो टोटल अमाउंट पता करने के लिए जिस क्वाइन के जितने सिक्के हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिस क्वाइन के जितने भी सिक्के हैं दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तब हमें पता चलता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। क्योंकि ₹1 के 10 सिक्के थे तो ₹1 के 10 सिक्कों में से कितना रुपया बना उसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ₹5 के कितने सिक्के हैं, 8, पता करना है कि 8 सिक्कों से रुपया कितना बना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5×8 5×8=40। ₹2 के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ, मान लो मेरे हाथ में ₹2 के 7 सिक्के हों तो बताओ कितना रुपया है मेरे हाथ में, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ₹2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14। अब तीनों को प्लस करके किसके बराबर करोगे, टोटल के बराबर करोगे, क्योंकि तीनों को जब प्लस करोगे, तीनों का अमाउंट जब प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट के बराबर वो हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इसी तरह से ये एक्स जो है ये सिक्का है, ये कितने का सिक्का है, 5 का, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 3x है ये कितने का सिक्का है, 2 का, तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये वाला जो सिक्का है ये कितने का है, ये ₹1 का है, तो इनको ब्रैकेट में लिख के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, जब कैसे ये सिक्का और वो सिक्का कितने का है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब वहां पे वैल्यू पता चलेगी, और ऐसे सबका कर दोगे तो वो टोटल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। अभी टोटल क्या है, टोटल रुपया ही तो है, टोटल रुपया कैसे आया, एग्जांपल से समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करो, 5 को जब x से करोगे तो 5x आएगा, और जब 2×3 यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो 6x आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इसका बिगड़ने वाला नहीं, 160-4x हो जाएगा, इक्वल टू करके यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। बस इतना ही करना था, इतना ही आपको समझना था, आगे सब सॉल्व हो जाएगा। 5x और 6x कितना होता है, 11x, और देखो माइनस कर दे रहे तुरंत, 5×6=11x, 11x में से 4x निकलेगा तो 7x, 7x माइनस और सॉरी प्लस 160, उधर क्या बचा, ₹300, या ₹ हटा दो सॉल्व करते टाइम, यहाँ पे आ गया 300, अब 160 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7x=160 यहाँ पे हो जाएगा 300-160, तो 7x=2 हो जाएगा 140, माइनस होके x=2 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है, 140/7 कट के कितना आ गया, 20 आ गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्या ये आंसर आ गया, नहीं, उसने पूछा है कि ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹2 के कितने सिक्के हैं और ₹5 के कितने सिक्के हैं। तो देखो ₹5 के कितने सिक्के हैं, ₹5 कॉइन को तुमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ₹5 के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, और ₹2 कॉइन के कितने सिक्के हैं, क्या माना था उसमें, 3x माना था, और x की जहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू कितनी आई है, 20, तो कितना हो जाएगा, 60, 60 सिक्के हैं ₹2 के, और ₹1 के कितने सिक्के हैं उनको तुमने क्या माना था, 1 रुपीज कॉइन, तो यहाँ पे तुमने माना था 160-4x, तो 160-4x तो यहाँ पे हो जाएगा 160-4 का x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 का जब x से मल्टीप्लाई से करा दोगे तो हो जाएगा 160-80, और यहाँ पे आ जाएगा 80। ये पीछे आंसर अगर मिलाओगे तो गलत आएगा, तो मतलब मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ध्यान से देखना, वहाँ पे 3 के सिक्के होंगे लेकिन यहाँ पे 5 के सिक्के हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, हो सकता है आंसर गलत हो, बाकी तो यहाँ पे 5 के सिक्के की बात करी गई है और आंसर में 3 के सिक्के हैं। तो यहाँ पे देखो ₹5 के कितने सिक्के हो गए, 20 सिक्के, ₹2 के कितने सिक्के हो गए, 60 सिक्के हो गए, और ₹1 के कितने सिक्के हो गए, 80 सिक्के हो गए। अब तीनों को जोड़ो, 80 सिक्के मतलब 80 कॉइन्स, 60 कॉइन्स और 20 कॉइन, तीनों को जोड़ोगे तो 160 कॉइन आएगा, और ये देखो क्वेश्चन में दिया ही था कि कितने कॉइन्स हैं, टोटल 160 कॉइन्स हैं। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और खुद से थोड़ा सा खुद से एनालाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इज विड्थ इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ।
तो भैया यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करी गई है और ये होता है आपका रेक्टेंगल। यस दिस इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या का फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस पी। तो अगर तुम्हें पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ ऑफ ब्रेथ पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे विड्थ, विड्थ मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ समझ सकते हो। तो ब्रेथ यहाँ पे आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है चलो लिख लेते हैं। पहले जो चीज गिवन है यहाँ पे, पहली बात तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है और वो कितना दे रखा है, वो दिया है 13 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, विड्थ मतलब ब्रेथ लिख सकते हो, दोनों चीज सेम है, विड्थ और ब्रेथ। ब्रेथ कितना दे रखा है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ओके नो प्रॉब्लम। तो ब्रेथ हो गई आपकी 4 2 8 3 11/4 सेंटीमीटर। अब क्या चीज क्या नहीं पता है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ब्रेथ तो पता चल गई, लेंथ नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर लेट कर लिया। अब उसके बाद नाउ फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये होता है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर तो दे रखा है, कितना दे रखा है 13, तो उसके यहाँ पे 13 लिखेंगे इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में एल के यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, और ब्रेथ के यहाँ पे क्या लिखोगे 13, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, टू उधर ले जाके देखो, ये क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन तुम 2.1 में 2.2 में लगाते हो, 2.1 2.2 में लगाते हो, बन गया है। अब देखो 2 क्या है, 2 को या तो लाके यहाँ से डिवाइड करा लो, और या तो अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 और इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 का जब x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x आएगा, और 2 का जब 13 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब उसके बाद क्या करो, अब उसके बाद इनको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यस यस, 4 2 8 9 9 10 11, और थर्ड जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में आंसर आ रहा है, फिर तो माइनस 13 हो गया, तो इधर जाएगा तो माइनस 13 एक्स की वैल्यू। ये कैसे आ रही है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है, और एक सेकेंड, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ब्रेथ के जहाँ पे हमें लिखना था 11/4, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11/4। ठीक, अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ला के कर दो डिवाइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 11/4। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करो, एस के साथ कौन चिपका हुआ है 11/4, उसको उधर ले जाके माइनस करोगे, तब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और बस फिर इसके आगे आप इसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और तो उसमें लेंथ ही पूछा है, लेंथ आपका निकल कर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ओके चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अब उसके बाद 7 और 18 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो 17 क्वेश्चन में लिखा है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड की का रेशियो दे रखा है 5:2। रेशियो वाला सारा खेल तो बताया ही है कि एक 5 है तो दूसरा 2 है। अगर देखो वहाँ लिखा है ना, एक 5 एक 2 है, तो 5 का अगर 10 कर दोगे तो 2 का 4 हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से बढ़ेगा, तो रेशियो तो पता है। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है कि 5:2 में है। तो अगर हम लेंथ को 5x मान लें तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कौन सा शेप बोला है, रेक्टेंगल बोला है, देन वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यही दो मेन फॉर्मूलेज होते हैं रेक्टेंगल के, तो इन्हीं में से कोई एक लगेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है और क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो डायमेंशंस बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ लेट कर लेते हैं 5x। तो भैया ब्रेथ क्या हो जाएगी, तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 350 मीटर। तो लिख देते हैं वो चीज़ हम, पेरीमीटर कौन से शेप का पेरीमीटर है,
रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इक्वल टू करके कितना दे रखा है, 350 मीटर। तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रैकेट में L+B। सर फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ये भी पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को चाहे तुम सेंटेंस में लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, दोनों बातें सेम है, चलो दोनों तरफ सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और लेंथ, लेंथ की यहाँ पे क्या लिखोगे, 5x लिखोगे, और ब्रेथ की जहाँ पे क्या लिखोगे, 2x। अब भाई वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो, लेंथ की जहाँ पे 5x और ब्रेथ की जहाँ पे 2x इज इक्वल टू 350। अब उसके बाद भैया देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम जानते हो 2 मल्टीप्लाई में है, या तो इनको बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट यहाँ से हटा के नीचे भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5x और 2x प्लस होके कितने हो जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 350 अपॉन में हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34 1 7 और 5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 175 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 7x इज इक्वल टू 175, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 7 को ले जाकर उधर डिवाइड करा दो, x इज इक्वल टू 175 अपॉन 7, ठीक है, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा डिवाइड कराते हैं, देखें 7 7 2 14 और बचा कितना 3 3 दरा के 35, 7 5 35। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ चुकी है। क्या ये आपकी फाइनल वैल्यू है, नो दिस इज नॉट योर फाइनल वैल्यू। सो व्हाट विल बी योर फाइनल वैल्यू, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, तो लेंथ को क्या माना था, 5x माना था, तो 5 × x यहाँ पे क्या लिखोगे, 25। सो हो जाएगा आपका 125 क्या चल रहा है मीटर। और उसके बाद ब्रेथ क्या माने थे, ब्रेथ माना था 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 25 दैट इज 50 मीटर। और हो गया इस तरह के सॉल्व, मतलब वैल्यू निकालने के बाद फिर वैल्यू रख के और एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के दिखाओ, अगर इतना नहीं करे तो एक नंबर तो गयो। चलो तो अब हम लोग आगे लगाते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा आपको फोकस करके समझना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा इतने स्मार्ट तो हो ही। अब देखो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2-डिजिट नंबर। अब यहाँ पे कोई भी 2-डिजिट नंबर की बात हो रही है, दो डिजिट के नंबर जो कि 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर की इन्होंने बात करी है, जो कि कितने डिजिट्स के हैं, डिजिट जानते होंगे 0 से 9 ये डिजिट होते हैं और 9 के बाद 10 आता है, 10 से लेकर और 99 तक क्या होते हैं, नंबर डिजिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें 52, तो 52 5 और 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तो यही सारी कहानी है। और तो भैया यहाँ पे 2-डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो एक को हम लोग मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। अब यहाँ पे दो चीज़ों को माना जाएगा, ध्यान से समझना, एक को क्या मान लिया x और एक को मान लिया y, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 52 है, 27 है, 39 है, 44 है, क्या है हमें नहीं पता। तो एक को x मान लो बड़े प्यार से, एक को y मान लो बड़े प्यार से। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट ऑन वंस प्लेस, ये क्या हुआ वंस प्लेस, क्योंकि भैया 2 डिजिट है तो एक तो वंस प्लेस पे होगा एक वो टेंस प्लेस पे होगा, तो वंस प्लेस वाले को हमने क्या मान लिया वाई मान लिया, एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे है उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया हमने एक्स। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी वाई एक्स मान सकते हो, हम ऊपर वाले को भी एक्स, नीचे वाले को वाई, नीचे वाले को वाई, ऊपर वाले को एक्स मान सकते हो, एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इतना समझ में आया, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो एक टेंस प्लेस पे होगा एक वंस प्लेस पे होगा, वंस टेंस तो जानते ही होगे, वंस टेंस 100 1000 10000 ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद देखो, तो जो तुम्हारा नंबर बन के तैयार होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा, ध्यान से समझना, जैसे देखो हमने कहा एक नंबर है हमारे पास 65 है, नंबर है ये, हाँ है, 2 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल है, 2 डिजिट है, कौन कौन, 6 और 5। अब अगर इसको तुम स्प्लिट करोगे, एक्सपैंड करोगे, बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हो, बचपन में पढ़ा होगा कि जब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो इनको हम ऐसे लिखते हैं 60+5, ऐसे लिखते हो ना, किसी भी नंबर को एक्सपैंड करो, जैसे यहाँ लिखा है 39, अब 39 को अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या लिख सकते हो, 30+9,
इसका मतलब ये है कि जो टेंस प्लेस पे होगा उस पर 10 का मल्टीप्लिकेशन जरूर हुआ रहेगा। देखो 65 का टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर था, कौन सा डिजिट था, 6, और 6 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हुआ है। जब इसको अलग अलग करे प्लस के फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। देखो 39 में टेंस प्लेस पे कौन है, 3, और 3 के साथ 10 का मल्टीप्लाई है, तभी तो 30 है। ये देखो 30 को क्या होता है, 3 × 10, और 60 क्या होता है, 6 × 10। अब जैसे बात करें 98 की, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ रहेगा, 10 से हुआ रहेगा, क्योंकि जब स्प्लिट करोगे तो इनको ऐसे लिखोगे 90 + 8, 9 + 8 तो लिखोगे नहीं, 9 + 8 तो हम लिखेंगे नहीं, 6 + 5 तो हम लिखेंगे नहीं, 3 + 9 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 + 9 करोगे तो हमें 39 थोड़ी ना मिलेगा। जब तुम 60 + 5 करोगे तो 65 मिलेगा, 30 + 9 करोगे तब 39 मिलेगा। तो जब किसी भी चीज को एक्सपेंड करते हैं तो टेंस प्लेस पर 10 का मल्टीप्लाई हुआ रहता है। तो जब इनको नंबर तुम्हें बनाना है तो इनको नंबर कैसे बनाओगे, इनको बनाओगे तुम टेंस प्लेस पे कौन है, x, तो उसका 10 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा और प्लस करके y बन गया नंबर। कैसे सर, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ लिखा है 70 और प्लस 9, क्या नंबर बना सकते हो इनसे, हाँ बना सकते हैं, 79 बना सकते हो गया नंबर। टेंस प्लेस पे जो नंबर था वंस टेंस, उस पे 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनको तो जोड़ा जा सकता है, इनको तो प्लस किया जा सकता है, लेकिन ये इनको प्लस नहीं किया जा सकता है, तो इनको ऐसे ही हम छोड़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 10x + y क्यों लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे आने वाले क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, तो आगे आने वाली क्लासेस में। तो ये नंबर क्या बन गया, 10x + y। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कुछ दे रखी है, यहाँ पे दो दो कंडीशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं। और फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है कि अगर दो डिजिट का जो नंबर है, अगर उनके डिजिट को तुम जोड़ोगे तो 8 आएगा। जो दो डिजिट का नंबर है अगर उनके डिजिट्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। डिजिट कौन कौन से हैं, x है और y है, कहाँ पे है उससे मतलब नहीं, लेकिन दो डिजिट कौन कौन से हैं, x हैं और y हैं, तो जोड़ लेते हैं, एक हो गया x और एक हो गया y, जब दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया। अब देखो सेकेंड कंडीशन, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई क्लास में गए हो, नए क्वेश्चन को चेस करो। तो क्वेश्चन ने बोला था कि जो डिजिट्स हैं जो दो डिजिट का जो नंबर है, उनके डिजिट को प्लस करोगे तो 8 आए, तो कर दिया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या बोला है कि अगर इफ मतलब अगर होता है कि अगर हम 36 को ऐड करें, 36 को ऐड करें उस नंबर में, जो नंबर बना है, देखो नंबर क्या बना है, 10x + y, अगर इस नंबर में हम 36 ऐड करें, तो चलो कर देते हैं पहले, यस हम करेंगे, 10 हो गया 10x + y, अगर इस नंबर में, ये पूरा तुम्हारा नंबर है, सर ये कौन सा नंबर है, तुमने कभी नहीं देखा इस तरह से नंबर, तो भैया ये प्लस नहीं हो रहा ना, जुड़ नहीं रहा, ऐड नहीं हो रहा, रूल रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और ऐड नहीं किया जा सकता इनको, तो बस मान लो कि ये नंबर है, दिख रहे हैं नंबर, तो भाई ये जो नंबर है इसमें 36 ऐड करो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐड कर दो, तो चलो ऐड करते हैं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 36 ऐड कर दिया, तो अच्छा ऐड करने से क्या मिलेगा, ऐड करने से होगा क्या कि वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, डिजिट क्या हो जाएंगे, रिवर्स। यहाँ देखो डिजिट्स रिवर्स, मतलब जब उनमें कुछ प्लस करोगे तो कुछ आंसर आएगा, और आंसर कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू के उस तरफ, आंसर कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू के उस तरफ, तो इनको प्लस करोगे तो कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर आएगा कि वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, समझे, वो नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर जैसे नंबर 76 है, नंबर क्या है 76, और उसमें तुम कुछ ऐसा प्लस कर दो कि नंबर पलट जाए, मतलब जो आंसर है उसमें नंबर पलटा हुआ हो, यानी कि 76 का 67 हो जाए, या मान लो जैसे देखो एग्जांपल समझा रहे हैं, एक नंबर है 25, ठीक, एक नंबर है 25, अब अगर इसमें हम 27 प्लस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो रिवर्स हो चुका होगा, मतलब ये कि अगर इसमें हम 27 प्लस करें तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा 52, यस। तो देखो ये जो नंबर था इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, 25 का 52, तो यही चीज कह रहा है, तो यही बोला है कि जब तुम नंबर में 36 प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर रिवर्स हो चुका होगा, रिवर्स मतलब जो टेंस प्लेस पे होगा वो वंस प्लेस पे चला जाएगा, जो वंस प्लेस पे होगा वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया था कि 25 में जब 27 तुम प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का रिवर्स होगा, तो देखो जो 2 टेंस प्लेस पे था वंस पे पहुंच गया, और 5 वंस पे था टेंस पे पहुंच गया, तो उसी तरीके से हो जाएगा। तो नंबर रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स हो जाएगा 10 y
एक्स की जहाँ पे वाई और वाई की जहाँ पे एक्स हो जाएगा, टेन वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये भैया आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अभी क्वेश्चन नहीं बना है, मतलब बस रेडी हो चुका है, बाकी देखो हम बताते हैं। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा फैमिली ढूंढते हैं। तो देखो 10x और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कर दिया 10x और x इधर आके क्या हो गया माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे y था, इधर से आगे क्या माइनस टेन वाई, और उधर हमने क्या भेज दिया, उधर भेज दिया 36 जो कि माइनस में हो गया। ठीक, ध्यान से समझना, 10x था, x था, दोनों की फैमिली थी, और ये बड़ा था ये छोटा था, तो छोटा वाला बड़े के पास जाएगा, तो यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। देखो 10x के साथ माइनस में x हो गया, और यहाँ पे y था, कोई बात नहीं इसको भी उधर ही भेज देते हैं, तो 10y यहाँ प्लस में था, कोई साइन नहीं तो प्लस में है, और y यहाँ पे था, तो 10y यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, और 36 इधर था, LHS था, LHS से कहाँ चला गया RHS में, 2.1 और 2.2 में यही सब पढ़ाया गया है, तो 36 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। ठीक, अब 10x में से अगर 1x निकल जाएगा, x मतलब 1x, तो कितना बचेगा 9x, और यहाँ देखो ये दोनों फैमिली हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, यस सर हो सकते हैं, तो एक की साइन प्लस एक की साइन माइनस, साइन डिफरेंट है, माइनस हो जाएगा। 10y में से अगर 1y निकाल दोगे तो 9y, और बड़े की साइन, 10y बड़ा है ना, उसकी साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9y, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 36। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों के पास 9 है, तो 9 को ले लो कॉमन, तो यहाँ से 9 को जब तुम कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 36। मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीजें आपके लिए एकदम न्यू है और पल्ले नहीं पड़ रही होंगी, हो सकता है पढ़ रही हूँ मैं, हम तो बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन शायद अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो कोई नई चीज़ जो होती है वो एक ही बार में कैच नहीं करी जा सकती, एक बार में कैच नहीं कर सकते हो। तुम सोच रहे हो कि उधर से बॉल आएगी, तुम बार बार बॉल कैच कर रहे हो कि हाँ ठीक है आ रही है बॉल, कैच कर रहे हैं, अचानक से फुटबॉल आ गई, तो भैया उसके लिए तो तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है और तुमने हाथ थोड़ा खोल रखा है और फुटबॉल आ गई, लग गया, मुंह टूट गया। तो उसी तरीके से तुम अभी सोच रहे हो कि हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, अचानक से धम्म से बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, तो यस रिलैक्स करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश की जा सकती है। यस यू आर स्मार्ट। सो x माइनस वाई, देखो इन दोनों टर्म से अगर कोई चीज़, दोनों दो क्या तीन चार पाँच छः जितने भी टर्म्स हैं, कुछ अगर सब में कॉमन है, कॉमन मतलब जो सबके पास है, ले लो सबसे, जैसे सबके पास तुम्हारे घर में रिश्तेदार आते हैं, सबके पास रुपया पैसा होता है, सबसे ले लिया, तो भैया 9 कॉमन ले लिए, 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 9, कट करो फटाक से 4 आ गया, सो यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 बचा है, और ये बन गया सेकंड, ये इक्वेशन, ऐसे सेकंड बोल के मतलब इक्वेशन बोला जाता है कि सेकंड इक्वेशन बन गया और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन हो गया और फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो करते क्या है, इधर वाला हम इरेज कर देते हैं, तो देखो समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया आपका कहाँ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखो ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को और दूसरे वाले इक्वेशन को दोनों को ऐड करेंगे। बताया ना सारी चीज़ें नई हैं, नाइन्थ क्लास में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन समझो कि जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है तो उन दोनों को या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो, तब तुम्हें वैल्यू पता चलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को प्लस करेंगे। कैसे सर, कैसे प्लस किया जाए, तो LHS को LHS के साथ प्लस कर दो, RHS को RHS के साथ प्लस कर दो। तो इधर LHS में क्या है, एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई, और इधर यहाँ पे LHS में क्या है, यहाँ LHS में है x माइनस वाई, तो दोनों को प्लस कर दिया। देखो दिख रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों के बीच में प्लस के साइन है, और इक्वल टू करके RHS में उधर क्या है 8 और RHS में इधर क्या है माइनस 4, प्लस करके और माइनस 4। ठीक, तो x और x कितना हो गया 2x, y से y कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में सेम कट गया, और वहाँ पे 8 में से जब 4 निकालोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 8 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, उधर जाके डिवाइड होगा तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा और आ जाएगा 2, कट के 2 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया, रिलैक्स मत करना, अभी आंसर नहीं आया है। तो भैया x की वैल्यू 2 आ गई, अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे जानते हो, पुटिंग यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। दो इक्वेशन बना है ना, एक इक्वेशन ये दिख रहा होगा, एक इक्वेशन सेकंड है, दोनों में से किसी में भी y की x की वैल्यू जो आई है उसको उठा के रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की जहां पे क्या रख दो, x की जहां पे 2 रख दो, तो यहां ध्यान दो और यहां ध्यान दो। तो x की जहां पे अगर हमने 2 रख दिया तो 2 प्लस y कितना होता है, 8 होता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 6। सो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, समझे, इतना y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। सो आपका नंबर क्या बनेगा, सो देखो, सो जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या बनेगा, अभी x और y की वैल्यू आई है, सो नंबर को तुमने माना क्या था, 10x plus y, ठीक है, तो 10x plus y माना था, x की जहां पे तुम रख दो 2 और y की जहां पे रख दो 6, तो 10 और x मल्टीप्लाई में है, x की जहां पे 2 रख दिया प्लस y की जहां पे क्या रख दिया 6, तो यहां पे हो जाएगा 20 प्लस 6 दैट इज 26। तो भैया ये खेल हुआ जाके, तो खेल क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ और काफी अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप समझाने की तो पूरी कोशिश करी, एकदम दम लगा दी, एकदम समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नहीं आया होगा तो रिलैक्स, ये मत सोच लेना कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें मतलब कि हमें समझ में नहीं आता सर इतना समझा रहे, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बार बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्या करो 3 बार 4 बार 10 बार लगाओ, जब तक ना आए तब तक लगाओ, सॉल्व करते रहो, आएगा, जरूर आएगा, बस हर चीज का कॉन्सेप्ट सीखे रहो, वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। चलो आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी लगाते हैं।